अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारा प्रोग्राम है जी पिंडी सदर जाने का, तो मेरे जो बाबर भाई हैं वो वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं। अभी मेरे को जब बात हुई है वो मसरूफ थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। निकलते हैं जी बस, तो इंशाल्लाह वहीं मुलाकात होती है सदर में। फिर अभी बस निकल रहा हूँ जी ऑफिस से मैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बाबर भाई से मुलाकात है मेरी, तो सदर में मुलाकात है मेरी, तो बस उम्मीद है जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो फिर बाकी बातें वहीं पहुँचे करते हैं। ये मेरा ऑफिस है जी, ऑफिस की पार्किंग में पहुँच चुके हैं, तो बस तैयारी है सदर की जैसे बताया आपको। ये देखें जी बारिश आई है, बादल दोबारा आ गए हैं, तो अब लग रही है कि सदर पहुँचते पहुँचते बारिश काफ़ी आ जाएगी। उम्मीद तो ये है कि आज फिर बारिश होगी। क्या ये हमारे जी प्यारे बाबर भाई बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बैठे हैं जी, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? माशाल्लाह जी, बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू सर। अब ये ट्रैफिक फंसे हुए हैं, ये कश्मीर रोड है, ट्रैफिक से निकलते हैं फिर आपको मजीद दिखाते हैं। यहाँ पर अब ये बाल रोड पर जा रहे हैं जी, पीसी होटल के पास से गुजरेंगे। बारिश शुरू हो गई जी बहुत तेज, अभी कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था तो एकदम बारिश तेज हो गई है। बारिश तेज है जी बहुत। रुक गए हम साइड पे, किसी बंदे का इंतजार कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पीछे आ रहे हैं, तो जैसे डिसाइड करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ जाना है कि मोटरसाइकिल पे ही जाना है, तो इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ गया। तो मौसम ने पलटा खाया, मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। कुछ देर पहले धूप थी, अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ तो बहुत धूप थी। रास्ते में धूप छाँव चलती रही और या पैसे पिंडी बैंक रोड पहुँचो अपने भाई के पास। गाड़ी में तशरीफ आवरी हुई है तो बस मेहरबानी होगी। अभी हम जी चौधरी खान साहब के घर में मौजूद हैं, उनके घर बहुत बड़ी गैदरिंग है, सियासी मीटिंग है आज, तो उनके घर में मौजूद हैं इस टाइम। अभी हम तो मुलाकात होगी उनसे, अब हम तकरीबन निकलने लगे हैं। लोगों की गैदरिंग है, लोग इकट्ठे हुए हैं उस फैसले के लिए। अब वापस अंदर जा रहे हैं जी हम, देखें धूप निकल आई है, देखें अल्लाह की कुदरत। अभी हमने आपको बारिश दिखाई थी और अब देखें सूरज, दोनों मज़े। इसे कहते हैं अल्लाह की कुदरत कि अभी 10 मिनट पहले शदीद बारिश थी और अब धूप निकल आई है, लेकिन मौसम फिलहाल अच्छा है। अभी बारिश का इम्कान है, अभी बारिश कल ही नहीं लेकिन फिलहाल रुक गई है। सड़कें साफ़ हो गई हैं, अल्लाह करे लोगों के दिल भी साफ़ हो जाए इस तरह। हाँ भाई, ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। वापस सदर जा रहे हैं जी, माल रोड पे रश कम है। हम बैक रोड पहुंच गए जी सदर में। सुबह मकबूल यहाँ पे रश होती है, पता है कोई पार्किंग मिलती नहीं, तो बस शाम हो रही है ऐसा ऐसा। बारिश के बाद धूप निकल आई थी, वो भी अब सूरज ग्रुप होने को है। सदर अपनी पूरी रणाइयों में, सदर की खूबसूरती अपनी, जिसने पिंडी का सदर ही देखा उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, और जिसने हमें नहीं देखा उसने भी कुछ नहीं देखा। बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। सावन का मौसम है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। जहाँ भी हम मीटिंग से हो गए हैं वहाँ बिल्कुल नहीं हुई बारिश, वहाँ हुई ही नहीं,
हत्या के टोटल एक 2 किलोमीटर का फासला था, वहाँ बारिश नहीं हुई। मुझे थाना हसन खान है सचो। थैंक यू बुद्री। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन, खूबसूरत रेलवे स्टेशन, तारीखी रेलवे स्टेशन। अभी हम जी थाना रेलवे रावलपिंडी में आए हैं जी। हाँ जी, रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन, बाबर भाई आगे के जा रहे हैं, उनकी सरबराई में हम जा रहे हैं रावलपिंडी का खूबसूरत और तारीखी रेलवे स्टेशन। ये देखें, यहाँ पे एक पुराना स्टीम इंजन खड़ा किया उन्होंने मॉडल के तौर पे, ताकि याद रहे कि यहाँ पे ये इंजन भी चला करते थे किस ज़माने में। यह जी बिल्डिंग करीब से दिखाते हैं आपको, थोड़ा आगे चलते हैं। हम इस टाइम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के अंदर फिर रहे हैं जी, प्लेटफॉर्म पे हैं, तो कैफेटेरिया में जा रहे हैं। ये जी बाबा भाई बैठे हैं, जब आ गए हैं इस टाइम रेलवे की कैफेटेरिया में। यस सर। तो गर्मी थी तो चाय तो नहीं पी हमने, तो इसलिए हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली हैं, तो फिलहाल कोल्ड ड्रिंक्स का गुजारा करते हैं। इस टाइम चूँकि ट्रेन का टाइम नहीं है, मुसाफिर गाड़ियों में बैठ चुके हैं, तो इसलिए कैफेटेरिया खाली है। अच्छा खूबसूरत कैफेटेरिया बना हुआ जी, वेल मेंटेन्ड है। ये हम जी रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में आए हैं। अच्छा खूबसूरत रिटायरिंग रूम बना जी, ये मर्दाना रिटायरिंग रूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमायूं साहब हैं सर हमारे, और ये हमारे बहुत ही बड़े जेंटलमैन और बड़े स्वीट हार्ट ब्रदर हैं अपने। थैंक यू। और अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, और वेरी सून इज़ गोइंग टू पेरिस। बस इनके कुछ कोलीग्स हैं इधर आए हैं और घूम फिर रहे हैं, और बाकी आप खुद इनकी ज़बानी सुने आप। ये जी बाबर भाई थे सर, वो मेरी वीडियो बना रहे थे, तो अब हम पहले आपको दिखा चुके हैं। ये रात का मंजर है जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का। अब हम यहाँ से फारग हो गए हैं तो निकल रहे हैं, गाड़ी हमारी सामने पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है। जा रहे हैं जी वापस, बाय बाय रेलवे स्टेशन। रात का मंजर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं घर पहुंच चुका हूं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी आज और भाई से मीटिंग थी, तो शाम को उनसे मुलाकात थी मेरी, तो उसके बाद हम कुछ ज़रूरी मुलाकातें थी उनकी कुछ लोगों को, उसके बाद फिर हम जल्दी वहां से फारग हो गए और वापस सदर आ गए। सदर में जी फिर हमारे एक DSP साहब होते थे जावेद साहब, तो वो बेचारे कुछ अर्सा पहले कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे, तो उनकी जगह जो उनके DSP साहब नए आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए हम गए थे, तो वो भी बाबर भाई के बड़े करीबी दोस्त हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं थे वहाँ। फिर सामने हम रेलवे स्टेशन में चले गए, तो वहाँ पे हमने टाइम पास किया, तो और उसके बाद फिर घर के लिए रवाना हो गए। हमारी कमियों पेशियों को दरगुजर कर दीजिए, और अगर कोई तजावीज़ हैं तो हमें बताइए, ताकि हम अपनी वीडियो को बेहतर बना सकें आपके लिए, ब्लॉग को अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपके लिए पेश कर सकें। और कोई रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे कि हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ग्रो करने में मदद दीजिए, क्योंकि आपकी मदद के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह फिर नए ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।